राम राम माय लवलीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सेहतमंद, दौलतमंद और खुशहाल होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लेजी अपर्णा पे। आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होने को ये ब्लॉग एक दिन या दो दिन लेट हो सकता है, लेकिन क्या होता है ना कि जिस दिन जो फेस्टिवल होता है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आफ्टर दैट उसका ब्लॉग आता है। तो मैंने ये थोड़ी सी क्लिप शेयर करी थी क्योंकि देव ने फर्स्ट टाइम पूजा करी है माँ सरस्वती की। हैंडशेक काफ़ी हो रहा है, कैमरा मुझे हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, बिकॉज एक तो आदत छूट गई है, ऊपर से आई हैव अ स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम, तो उस वजह से भी मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा शेक हो सकता है। बाकी बस ये एक मेमोरी है मेरे लिए। मे बी ये ब्लॉग आप लोगों के लिए कोई यूज़फुल ना हो, लेकिन मेरे लिए मेमोरी है। ये सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं बसंत पंचमी में घर पे, तो देव का ये फर्स्ट टाइम था जो वो इन्वॉल्व हो रहा है इस पूजा में। लाइक मम्मी जैसा बोल रही है वो कर रहा है, अदरवाइज़ मैं और मम्मी कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं सिर्फ पीछे बैठी थी और मैंने कैमरा होल्ड किया था और मम्मी बता रही थी और देव कर रहा था। तो और उसके बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, एक्चुअली आप लोगों के लिए नहीं, कई लोगों के लिए सरप्राइज़ है। इस वीडियो के थ्रू मेरे कुछ नोन्स भी जानेंगे कि वो सरप्राइज़ क्या है। और हाँ, वीडियो एंड तक आप देखते रहिए, मैं इसमें म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी, जो भी होगा इसका नेचुरल वॉइस होगा, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे नेचुरल वॉइस में। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो म्यूज़िक में चाहिए होगा या फिर नेचुरल वॉइस ही चलेगा। नीचे थे क्यों ऊपर करते हैं, नीचे थे ऊपर करो, दीवार थे टिका तो दीवार टिब्बे ना टिब्बे ना ना की लगे के लो ठीक अच्छे हंस कोई ठकुर খুলে যাচ্ছে, কত ছোট তো হচ্ছে, কত ভার ছোট ওর জন্য করে দিলাম না, নিচে করে দাও মালাটা, কোনো ই নেই পরিয়ে তো দেওয়া হয়েছে, পিছন থেকে নি হয়ে গেল ঠিক। আরে দশটা মালা আছে হি বরে, আমাকে খুব আমি খুব ভালো করে পড়তে পারি, ভালো মানুষ মানি, ভালো মানুষ মানি। Now, this is a surprise and here is a surprise. ये हो रहा है हमारे प्लॉट पे भूमि पूजन। ये प्लॉट मम्मी मेरी सिंगल मदर है लाइक मी, जितना भी मैं स्ट्रगल थोड़ा बहुत अपने बेटे को लेके कर रही हूँ वो एक्चुअली मैंने अपनी मदर से ही सीखा है, मम्मी पापा के एक्सपायर होने के बाद से, शी इज़ अ सिंगल, और उनके संघर्षों की देन है ये भूमि, ये जमीन, कहते हैं ना जमीन पे अपना नाम होता है, तो बस बड़ों के आशीर्वाद से और छोटों की दुआओं से ये प्लॉट मम्मी ने ख़रीदा था काफ़ी पहले, लेकिन अब इसमें भूमि पूजन का है, कंस्ट्रक्शन भी होगा अगर आप सबका आशीर्वाद और दुआ शामिल रही तो, और माता लक्ष्मी के पास जाने का, माँ सरस्वती भी एक मार्ग होता है, और कहते हैं ना बसंत पंचमी तो विदाउट देखे ही मुहूर्त होता है, तो आज के दिन हमने भूमि पूजन किया और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो आगे आप कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, चैनल मेरा रहेगा यूट्यूब में और आप स्क्रैप से चीज़ें देखेंगे। हाँ, ये ज़मीन इस यूट्यूब के शुरू होने से बहुत पहले ली गई थी, लेकिन उसके बाद इस ज़मीन पे आज पहली बार काम हो रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है। पूरी विधि नहीं दिखाई है एक्चुअली, मैं मॉन्ट्री के इस तरफ थी और दिखाने का कोई मोटिव भी नहीं बैठता है। बस ये एक अच्छी न्यूज़ शेयर करनी थी आप लोगों से और अपने लिए एक मेमोरी भी
रखनी थी। बाकी अभी आप ना कुछ एक दो महीने तक बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने वाले हैं, प्लस मेरा भी स्ट्रगल देखने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों पे मेरे स्ट्रगल भी शुरू होने जा रही है। बाकी वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा, शेयर करिए, मर्जी है आपकी। देखिए शेयर के लिए मैं ज़बरदस्ती नहीं करती। और बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको और वीडियो देखनी है। बाकी आप कंटेंट क्या चाहते हैं मुझसे वो भी बताइएगा। क्या जो है चैनल है वो मैं होम के ही थ्रू बनाती हूँ, लाइक क्लीनिंग, कुकिंग। कुकिंग में बहुत कम डालती हूँ, अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग दिखाती हूँ, तो ये भी मेरी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट था, सरस्वती ब्लॉग। ये पूरा दिन था, हमने कुछ नहीं किया उस दिन। हाँ, कुकिंग की थी मैंने शाम को आके, क्योंकि 6 तारीख को हमारे यहाँ शीतला षष्ठी होती है बंगाली में, उस दिन ठंडा खाना खाया जाता है तो हम लोग वही खाते हैं। बाकी एक ना गोटा सिद्ध होता है, वो मैंने आज तक सिर्फ एक ही बार खाया है, क्योंकि हमारे यहाँ वो खंडित है तो फिर गोटा से दो नहीं बनाते हैं, तो बट हम लोग ठंडा खाते हैं। चलिए मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। वो वीडियो एक्चुअली एक ज्वेलरी हॉल होगा, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे यहाँ शादी होने वाली है और शादी की तैयारियाँ चल रही है मेरी, एक्चुअली दुर्गा पूजा से ही चल रही है, लेकिन वो प्रॉपर एक वीडियो वाले लेवल में नहीं आई। अब लास्ट ज्वेलरी शॉपिंग हो चुकी है और मैं आपको दिखाऊंगी, और धीरे धीरे आने वाली है कई चीज़ें, रैंडम चीज़ें लाइक ट्रैवल ब्लॉग, पैकिंग ब्लॉग, वेडिंग गेस्ट आउटफिट ब्लॉग, तो आप देखिएगा बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं मेरे चैनल में। बीच में मैं कुछ महीनों तक मैं बिल्कुल गायब सी हो गई थी, बट अभी मैं डालूंगी, क्योंकि अभी आई हैव अ कंटेंट, और बीच में ना मेरे पास बहुत सारे काम हो गए थे अनयूजली, जो यूट्यूब में मैं शेयर नहीं कर सकती, और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं कैमरा उठा के एक ब्लॉग बनाऊं। बट अभी थोड़ा स्मूथ नहीं कहूँगी, लेकिन उस हिसाब से टाइम है कि मैं कैमरा उठा के वीडियो शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। और बस तब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान से ध्यान रखिएगा, बाय बाय। वीडियो भी तो सही आनी चाहिए मेरी। ना अब एक उस कोने में यहाँ रख दो, इधर मुंह कर को। हाँ हाँ, कैसे रख दे तो ऊपर को है एक उधर।